बेटा मिरर की बात करते हैं, क्योंकि आज हम मिरर फॉर्मूला, मिरर के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो पहले पता होना चाहिए मिरर में फॉर्मूला कौन सा लगा करता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर इक्वेशन भी कहते हैं, मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर इक्वेशन। एफ के बारे में आप लोग पहले जान चुके थे। एफ क्या हुआ करती है मेरे बच्चे, फोकल लेंथ। एफ होती है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, क्योंकि मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं आप। एक बात आपको ध्यान सुनना, एम एम मतलब मिरर, एम से मिरर, एम से मोर, मोर मतलब ज्यादा। एम से मिरर, एम से मोर, मोर मतलब ज्यादा। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में याद करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ प्लस रहा करता है, प्लस। एम से मिरर, एम से मोर, मोर माने ज्यादा, प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू। अब यू और वी क्या है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बेटा अल्फाबेट में यू पहले आता है कि वी पहले आता है, बताएं? यू यू पहले आता है, उसके बाद वी आता है ना। हाँ, ऐसे अगर मैं बात करूं, एक मिरर है सामने, मेरे मिरर है, मैं हूं, मेरी इमेज बन रही है, या इमेज पहले थी फिर मैं बना था? इमेज बाद में बनती है। हाँ, पहले ऑब्जेक्ट होती है, उसकी फिर इमेज बनती है। तो यू पहले है, तो यू तो होता है मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट पोजीशन। एफ क्या थी, फोकल लेंथ। यू क्या होती है बच्चे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखती है। उसके बाद वी आया, उसके बाद इमेज बनती है। तो वी क्या है आपकी, इमेज की पोजीशन, इमेज की पोजीशन। यह हुआ करता है मिरर फॉर्मूला। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, मिरर फॉर्मूले के साथ साथ एक चीज और हम मिरर में पढ़ा करते हैं, वो होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर, मैग्निफिकेशन फैक्टर किसी भी इमेज का मेरे को ये बताता है कि इमेज पहले से मैग्निफाइड हुई, बड़ी हुई, कि इमेज साइज में घट गई, इमेज सीधी बन रही है कि उल्टी बन रही है, ये मेरे को कौन बताता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर। हालांकि नाम से आपको मालूम चल रहा है मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्निफाइंग बताएगा, कितना कितने गुना इमेज बढ़ गई या कितने गुना इमेज छोटी हो गई, वो बताता है आपको मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन का फैक्टर को कैसे डिनोट, फॉर्मूला क्या होता है, एम से डिनोट करा करते हैं, फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से। एम स्मॉल एम, एम इज इक्वल टू वी बाय यू। ध्यान से सुना बेटा मेरी बात, ये मिरर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं लेंस पे बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं अभी लेंस की बात नहीं कर रहा, अभी हम मिरर पे हैं। मिरर के फॉर्मूले में एम से मिरर, एम से मोर, यहाँ प्लस होता है, ध्यान रखेंगे बच्चे, यहाँ पर माइनस हुआ करता है मिरर के फॉर्मूले। मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है मिरर में, माइनस वी अपॉन, माइनस वी अपॉन यू। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लेंस में ठीक इसके उल्टी चीजें। अभी आप सिर्फ मिरर की बात याद रखोगे, लेंस पे बिल्कुल मत जाओ, लेंस पे हम बिल्कुल भी अभी नहीं जा रहे, अभी सिर्फ मिरर की बात करते हैं। एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, फॉर्मूले में माइनस है, फॉर्मूले में माइनस है। इसके प्रूफ भी है, प्रूफ आप लोग ट्वेल्थ में जाके करते हैं, किसी दिन टाइम मिलेगा मैं आपको प्रूफ भी करा दूंगा, ठीक है, अगर आपको करना है सीखना है तो, अदरवाइज प्रूफ की जरूरत नहीं है टेंथ क्लास में, ओके। असल में मैग्निफिकेशन फैक्टर जो होता है मेरे बच्चे, ये तो फॉर्मूला बन गया, लेकिन उसका मतलब होता है इमेज का साइज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका जनरल फॉर्मूला, जो असल फॉर्मूला होता है, वो ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हुआ करता है मैग्निफिकेशन फैक्टर का असल फॉर्मूला, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज। सोच के देखो, अगर इमेज दुगनी बन गई ऑब्जेक्ट के मुकाबले, दुगनी, ऑब्जेक्ट तो है 5 सेंटीमीटर, इमेज बन गई 10 सेंटीमीटर, दुगनी बनी ना, तो 10/5, दो गुना, एम की वैल्यू 2 आ गई। मैग्निफिकेशन फैक्टर हमें ये बताता है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इमेज कितने गुना बढ़ गई या छोटी हो गई, ठीक। चलिए, ये बातों में यहाँ तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिंपल फॉर्मूले हैं, मैंने आपको बताए हैं कि फॉर्मूले होते क्या हैं। किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो मेरे बच्चे आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, मिरर, एम से मिरर, एम से मोर, मिरर में यहाँ मेरे बच्चे प्लस होता करता है। एफ फोकल लेंथ होती है, यू ऑब्जेक्ट पोजीशन होती है, वी इमेज पोजीशन होती है, इमेज कहाँ बन रही है, ओके। मैग्निफिकेशन फैक्टर का भी फॉर्मूला, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन फैक्टर एम होता है ये,
मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर का मतलब है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को मैग्निफिकेशन फैक्टर बोला करते हैं। ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनी है, सीधी बनी है कि उल्टी बनी है, ये सब चीज हमको बता देता है। धीरे धीरे हम सीखेंगे। मिरर में ये एम, एम से मोर यहाँ पे प्लस होता है, तो मैग्निफिकेशन में बेटा ध्यान रखना यहाँ माइनस होता है, ये बस ये ध्यान रखना। मिरर में यहाँ प्लस है मैग्निफिकेशन, मिरर के ही, ये मिरर की बात है सारी, मिरर के मैग्निफिकेशन फैक्टर में यहाँ माइनस होता है, ध्यान रखेंगे इस बात। अच्छा, ये सब बातें ठीक है, समझ में आती हैं, लेकिन प्रश्न तो यहाँ पर उठता है कि सर आपने लिखाया ऑब्जेक्ट पोजिशन, अब अगर हम किसी की पोजिशन बताने लायक हैं तो इसका मतलब हम ऑब्जर्वर हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये दरवाजा मेरे से 2 मीटर दूर है, ये चेयर मेरे से 2 फीट दूर है, हाँ वो दीवार मेरे से 6 फीट दूर है, तो मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं अपने आप को जीरो पे मान रहा हूँ, ओरिजिन पे, मेरे हिसाब से ओरिजिन है, मैं यहाँ से सब चीज नाप रहा हूँ, ये प्लस में मान रहा हूँ, इसके ठीक अपोजिट माइनस में। ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव कभी कुछ नहीं होते, सिर्फ 2 अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, 2 अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर मैंने इसे पॉजिटिव माना सामने वाले को, तो ठीक पीछे वाला निगेटिव हो जाएगा, ठीक पीछे वाला निगेटिव। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं ये पोजिशन वगैरह जो नापनी है, ऑब्जेक्ट की पोजिशन, इमेज की पोजिशन, पोजिशन है ये पोजिशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर होगा जो देख रहा होगा सब कुछ को। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वर होगा कहाँ पे, क्योंकि देखो पोजिशन नापने के लिए एक ऑब्जर्वर का होना जरूरी है। ऑब्जर्वर कहाँ पर होता है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, मिरर की। मिरर हमने फिलहाल 2 टाइप के पढ़े हैं, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स, हालांकि प्लेन भी पढ़ा है लेकिन कॉन्केव कॉन्वेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रहा करते हैं। मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, ठीक है, है कॉन्केव मिरर, नहीं है, हाँ कि ना? यस सर। पक्का? यस सर। इसका बताओ पोल कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा, 1 पे 2 पे 3 पे, 1 2 3 कहाँ पे, 3। ये होगा मेरे बच्चे इसका पोल, और यहाँ पर क्या होता है सेंटर, सेंटर और पोल को मिलाकर जाने लाइन को हम क्या बोला करते थे याद करो, तो सेंटर ऑफ प्रिंसिपल सॉरी हाँ प्रिंसिपल एक्सिस, माफ करना, सॉरी सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाकर जाने वाली लाइन को हम क्या बोला करते थे बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, ये हुआ करता है पोल, इसे क्या बोला करते हैं, पोल पी। ऐसे अगर मैं बना दूं मेरे बच्चे, बताओ कौन सा मिरर है ये। सर अभी आपने इस पे अभी पॉलिश नहीं करी, पॉलिश करने के बाद मालूम चलेगा। हाँ अब बताओ, कॉन्वेक्स है ना, हाँ ये केव है ना, गड्ढे में रिफ्लेक्टिंग साइड कॉन्वेक्स, ठीक है। और भैया इसमें ये क्या हो गई बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट क्या होगा बच्चे, पोल, पोल, ठीक है। अब आप लोग एक बात समझेंगे बच्चे, जैसा आप लोग 9th 10th में पढ़ते हुए आते हैं, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, 90 डिग्री पर होती है ये, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन कहा करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पर होता है, ओरिजिन उस पॉइंट पर होता है जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोला करते हैं मेरे बच्चे, ओरिजिन, ओरिजिन। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, मिरर के केस में या फिर अगर लेंस होता तो लेंस के केस में, मिरर के केस में हम पोल को ओरिजिन मान रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एक एक्सिस ऐसे बन सकती है, ये खड़े में ऐसे बन सकती है, तो हम इसको बेटा ओरिजिन मानते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं 2 बातें आपको बताऊंगा ये बेहद इंपॉर्टेंट है, 12th में भी आपके काफी सारे न्यूमेरिकल तभी हो पाते हैं अगर आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया। अब बेसिकली जो आपको बताने जा रहा हूँ, साइन कन्वेंशन पढ़ना जा रहे हैं कि किधर को पॉजिटिव लेना है, किधर को नेगेटिव लेना है, कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, पोजीशन जो जाप है ना, पोजीशन कहाँ से नापेंगे, ओरिजिन से। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मिरर के केस में हम पोल को ओरिजिन मानते हैं, पोल को हम क्या मानेंगे बच्चे, पोल एक्ट एज ओरिजिन, हम पोल को ओरिजिन मान के डिस्टेंस मेजर करेंगे। बाकी आप मान किसी को सकते हो,
उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन जैसा हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से करते आते हैं, जैसा सब लोग करके आते हैं, वो पोल को ओरिजिन मान रहे हैं, तो हम भी पोल को ही ओरिजिन मानेंगे, ठीक है। चलिए एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात और जो बेहद इंपॉर्टेंट है, पोल को आपने ओरिजिन मान लिया, अब बात है पॉजिटिव किस तरफ माने, नेगेटिव किस तरफ माने। एक भी तो रूल होना चाहिए ताकि हर कोई वैसा माने, पॉजिटिव कहाँ माने और नेगेटिव कहाँ माने, इसके लिए एक रूल बना, अगर कोई बता सकता है तो बताए मेरे बच्चे, आप लोग पढ़ रहे होंगे घर पर, बताए बेटा कोई भी बताओ, पॉजिटिव किधर मानू, इधर पॉजिटिव मानू इधर मानू पॉजिटिव, बताओ बेटा, बोले कोई भी जवाब दे। हाँ बोलो सर, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग। नहीं 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 नहीं, और कोई जवाब में ना 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 ना, ये लेफ्ट लेफ्ट का मत बोलो, बिल्कुल भी नहीं, बताओ जल्दी किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव। अब देखो मैं बताता हूँ बेटा, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, पहली बात तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पोल को हम क्या मानेंगे, ओरिजिन। अब ओरिजिन से एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव, अगर आपने इसे पॉजिटिव माना है तो ये नेगेटिव, इसे पॉजिटिव माना है तो ये नेगेटिव, ये बात कंफर्म है, हमने पोल को ओरिजिन मान लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, इज टेकन टू बी पॉजिटिव, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे मेरे बच्चे, पॉजिटिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों, समझना ध्यान से आप लोग। आप मुझे बताएं बेटा, कौन कौन बच्चे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, मैं देखता हूँ। हाँ भाई शांतनु त्यागी, आप बताओ बच्चे, शांतनु त्यागी आप बताओ बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखूं, इधर की इधर, सर सर लेफ्ट, वन टू, वन टू सर, वन वन, रिफ्लेक्टिंग साइड पे रखते हैं, मिरर के केस में हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं बेटा, रिफ्लेक्टिंग साइड पे, सिंपल सी बात है, आप मिरर के पीछे जाके थोड़ी इमेज बन जाएगी आपकी, आपको मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने आना पड़ेगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है मेरे बच्चों, सपोज यहाँ पे रखी है आपकी ऑब्जेक्ट, कौन रखी है ये आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बताओ यहां से रे कहां को जाएगी, इंसिडेंट लाइट कहां को जाएगी, ऐसे जाएगी ना मिरर की तरफ, ऐसे जाएगी, हाँ। ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन दिख रही है आपको, ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, हमने पोल को क्या माना बच्चे, ओरिजिन, बोलो बोलो बोलो, ओरिजिन, हाँ पोल को हमने ओरिजिन मान रखा है, तो ओरिजिन देखो ये ओरिजिन है, ओके, और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, इंसिडेंट लाइट कहां को चल रही है मेरे बच्चे, मिरर की तरफ, मिरर की तरफ, इधर मतलब कि राइट साइड में चल रही है, थैंक यू भैया। अच्छा इसलिए फोन कर रहे थे आप, अच्छा 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 अच्छा, बुला रहे हैं, क्योंकि तो क्लास है, देखो मैंने क्लास लिख रखी है मेरी, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, मैंने लिख रखी है कौन कौन सी, ठीक ठीक ठीक। देखो बेटा ओरिजिन तो ये हो गया, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, तो ओरिजिन से एक साइड में, ओरिजिन से ये वाली डायरेक्शन, इधर वाली डायरेक्शन जहां को इंसिडेंट लाइट जा रही है, ये डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है, तो ये सारे इधर कितनी हो गई मेरे बच्चे, पॉजिटिव। अब अगर मैं बात करूं ओरिजिन से इस वाली डायरेक्शन को क्या मानू बच्चे, अगर ये पॉजिटिव हो गई, ओरिजिन से इधर वाली क्या होगी, सारी नेगेटिव हो गई, समझ रहे आपको, नहीं समझ रहे आप बेटा, समझे कि नहीं समझे, पक्का, यस सर, ओके ओके, बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे सर, रिफ्लेक्टिंग साइड पे, यहाँ भी इधर ही रहेगी ना रिफ्लेक्टिंग साइड पे, ये ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट लाइट कहाँ को चलेगी बेटा, राइट की तरफ, मिरर की तरफ चलेगी, राइट साइड, हाँ मिरर की तरफ चलेगी, ये होगी मेरे बच्चे इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, तो इसे तो हमने ओरिजिन माना, तो ओरिजिन से ये डायरेक्शन, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन टू पॉजिटिव,
ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये वाली डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, सारी पॉजिटिव, और इधर वाली क्या होगी सारी नेगेटिव। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे आप बेटा? बेटा समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे? देखो बेटा ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर था, ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर था, कॉनवेक्स मिरर। ओके, आप देखो ध्यान से, इस कॉनकेव मिरर का सेंटर कहाँ बनेगा, इधर कि इधर, फ्रंट साइड पे मिरर की, लेफ्ट मतलब माइनस पे प्लस पे, माइनस पे प्लस पे, माइनस पे, सेंटर यहाँ पड़ेगा आधे पे, सेंटर यहाँ पड़ेगा उसके ठीक आधे पे फोकस होता था, याद है, भूल गए? ऐसे गोला बनेगा, स्क्वायर उसके ठीक आधे पे सेंटर हुआ, पोल और सेंटर के ठीक बीच में फोकस हो गया। अब देखें ध्यान से मेरे बच्चों, फोकल लेंथ क्या थी, फोकस और पोल के बीच की लेंथ, यानी ये वाली लेंथ। अब बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव, क्योंकि क्योंकि देखो पोल से मेजर करेंगे ना, पोल को हमने क्या मानेंगे, ओरिजिन। हम सारी डायरेक्शन जो भी लोकेशन है सब पोल से देखेंगे, पोल पे बैठ गए हम, हम कहां पे बैठ गए, पोल पे। अब आपको पोल से फोकस की रेखा को दिख रहा है, नेगेटिव में दिख रहा है ना, इसलिए कॉनकेव की फोकल लेंथ बच्चे नेगेटिव होती है। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। जरा देखें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ हमेशा 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 हमेशा, जरा देखें बच्चे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां को आएगा, सेंटर तक की डिस्टेंस होगी ना पोल से, ये समझ रहे आप, नहीं समझ रहे? अब बताओ ये कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव आया ना, ये भी नेगेटिव आ गया। ओके ओके ओके, अब यहाँ पर देखो ये कौन सा मिरर है, कॉनवेक्स, बताओ इसका सेंटर कहाँ बनेगा, नेगेटिव में पॉजिटिव साइड, देखो गोला ऐसे बनेगा ना, ये पॉजिटिव साइड सेंटर पे यहाँ बना सेंटर, ठीक है, इसके ठीक सेंटर पोल के ठीक बीच में क्या होगा, फोकस। तो अब जरा देखें फोकल लेंथ कहाँ को मेजर होगी, ये क्या ये फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, सर पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां को होगी, पोल से मेजर करते हैं, ये रेडियस हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ध्यान रखेंगे कॉनवेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है हमेशा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव हुआ करता है। मैंने आपको तरीका बताया था कॉनवेक्स में, देखो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये कॉनवेक्स में एक्स, क्या लिखा है ये, अगर आप एक्स को थोड़ा सा घुमा के देखें तो पॉजिटिव दिख रहा है, यस सर, यस सर। कॉनवेक्स ध्यान रखने का तरीका होता है, तो कॉनवेक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। बात क्लियर है यहाँ तक, नहीं क्लियर है? यस सर, सर क्लियर है, क्लियर। अभी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, अगर मैं इस कॉनकेव मिरर को इसकी बजाय ऐसा रख दूं, ऐसे की बजाय, अभी तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, अगर मैं इसको इसकी बजाय ऐसा रख दूं तो क्या कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, सोच के जवाब देना बेटा, सोच के जवाब दे। नो नो सर, देख लो, मैं अभी फिर देखता हूँ आपने सही करा नहीं करा, तभी जवाब देंगे बेटा। दो तीन बच्चे, अगर मुझे सिर्फ दो तीन बच्चे ही सपोर्ट करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे, तो मेरे बच्चे फिर मेरा वही हिसाब होगा, रिकॉर्डेड वीडियो लाइव इसलिए पढ़ा रहे ताकि आप लोग सभी इंटरेक्ट करें। नो सर, के की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, अरे पागल हो यार, देखो सर, अरे नहीं, अरे ऐसे बन जाएगा नीचे वाले की चल, अगर मैं इसमें कॉनकेव को मैंने ऐसा रख दिया, ऐसे ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी पड़ेगी मेरे बच्चे, मेरे को रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगी, अगर अब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे कहाँ को चलेगी बच्चे, इंसिडेंट रे, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव मानेंगे, इसको पोल को ओरिजिन मान के, तो इधर सारा पॉजिटिव हो जाएगा और इधर सारा नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए बात को, नहीं समझे? तो इसका फोकल लेंथ अभी भी नेगेटिव ही आएगी ना, पक्का? यस सर,
अभी एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था सर, जब यहाँ पे पूछ रहा था कि सर हमेशा होगी, तो देख ले हमेशा है नहीं है, पक्का सर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरी बात समझना ध्यान से, दोनों ही केस में देखो, चाहे कॉनकेव का केस देखो चाहे कॉन्वेक्स का केस देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट ये रखी है, मैंने बोला ऑब्जेक्ट की पोजीशन या इमेज की पोजीशन कहां से देखेंगे? ओरिजिन से देखेंगे। कहां से देखेंगे? ओरिजिन से देखेंगे। ओरिजिन किसको मानते हैं? पोल को। पोल को क्या मानते हैं बच्चे? पोल ऑफ द मिरर। पोल को क्या मानते हैं बच्चे? ओरिजिन। तो यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखी है ये, तो ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट पोजीशन, जिसे हम क्या बोला करते हैं बच्चे? यू। क्या बोला करते हैं? यू। यहाँ पर देखे पोल से नापेंगे ना, ये पोल है, ऑब्जेक्ट ये है, क्या ये ऐसे मेजर होगी? yes. क्या है ये ऑब्जेक्ट पोजीशन? यू। अब मुझे बताएं बच्चे दोनों ही केस में यू कैसा? सर पहले वाले में तो नेगेटिव, दूसरे वाले में भी नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है ना। टेंथ क्लास में आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, टेंथ क्लास में कह रहा हूं मैं, यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, यू हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है? टेंथ क्लास में, मैं फिर से बात बल बोलूं, टेंथ क्लास में रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होता है। यहां तक बात क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है सर? क्लियर है। पक्का? पक्का देख लें, ये सब बातें समझ आई नहीं आई? मैग्निफिकेशन वाला समझा दीजिए। हाँ, मैग्निफिकेशन वाला जो तीन लिख रहा है, अभी इसे करेंगे, अभी करेंगे इसको। इसको तो मैंने सिर्फ ये बताया, मैग्निफिकेशन फैक्टर ये होता है कि जो बताता है आपको इमेज का साइज कितने गुना बढ़ गया या घट गया, मैग्निफाइंग बताता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर नाम है इसका, मैग्निफिकेशन फैक्टर। ये सब बातें क्लियर है मेरे बच्चे? सर इसकी फोटो ले लेना। हाँ बिल्कुल ले लेंगे साहब, तुम लिखोगे नहीं लेकिन हम फोटो ले लेंगे, है सर? लिख लिया। हाँ जो बच्चे लिख रहे हैं वो अच्छे हैं, बाकी तो भैया पारस कंसल जैसे बच्चे हैं सब हैं। चलिए अब इसे हम आगे करें थोड़ी सी बात, एक थोड़ी सी बड़ी अच्छी बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है? एक कॉमन सेंस सर आपसे पूछता हूँ बेटा, मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? रिफ्लेक्शन का मतलब बताएं दोनों ही केस को देखना ध्यान से। ऑब्जेक्ट यहां है, ये मिरर है, लाइट टकरा के वापस किधर आएगी? इधर आएगी कि इधर जाएगी? सर इधर ही आएगी, ऑब्जेक्ट इधर ही आएगी, नेगेटिव की तरफ ही आएगी ना? यस सर। यहाँ पर भी देखो नेगेटिव की तरफ ही आएगी ना? यस सर। एक चीज समझे ध्यान को, अगर मैं बोल रहा हूँ ये कोई डिवाइस है, सपोज ये मिरर है, कोई सा भी मिरर है, क्या है ये? सपोज ये मिरर है, तो मेरे बच्चों बताओ रियली यहाँ रखिए ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन होके कहां को आएगी रे? सच में कहां को आएगी बताओ बच्चे? मिरर है, डिवाइस है, यहां से रे गई, टकरा के कहां आएगी सच में? रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो रियलिटी में कहां पे आएगी? इधर कि इधर? वन कि टू? वन कि टू? वन कि टू? मिरर है ना, वापस आएगी। तो मिरर के केस में इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो रियलिटी में कहां आएगी? इधर आएगी, तो इधर बनती है रियल इमेज। रियल इमेज कहां बनती है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। पीछे कौन सी इमेज बनती है? मिरर के पीछे बनती है मेरे बच्चे वर्चुअल इमेज। सुनो मेरी बात को, इस बात को समझना, ये मैंने आपको बिना न्यूमेरिकल बिना चीजें कराए बता दिया कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। मिरर के केस में बच्चे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? टकरा के लाइट का वापस आना, लाइट का टकरा के वापस आना, ऐसे गई टकरा के वापस आई। तो रियलिटी में टकरा के वापस कहां जाएगी? अगर ये मिरर है, रिफ्लेक्टिंग साइड है ये, तो यहां से रे आ रही, तो रियलिटी में कहां जाएगी? उधर जाएगी कि पीछे जाएगी? उधर। उधर, तो इसलिए रियल इमेज कहां बनेगी? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। वर्चुअल इमेज कहां बनती है?
बैक साइड पे मिरर के, बिहाइंड द मिरर, जिसे हम बिहाइंड द मिरर बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? नहीं आई समझ में? ये चरा आ गई। अब एक बात सोचो बेटा ध्यान से, अगर रियल इमेज यहाँ बनेगी तो किधर बनेगी बेटा? नेगेटिव में, पॉजिटिव में? रियल इमेज कहाँ बनेगी? नेगेटिव में, नेगेटिव। ये बात आपने लिख ली होंगी, ये लिख ली होंगी, है ना? ये बात ध्यान रखना, यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अगर मिरर में रियल इमेज बनेगी तो नेगेटिव पे बनेगी, पॉजिटिव पे बनेगी? नेगेटिव, नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो कहाँ बनेगी बच्चे? पॉजिटिव। वेरी गुड। यहाँ पर बेटा, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 10 मिनट रह रहे हैं, जल्दी करता हूँ खत्म। अगर रियल इमेज है तो मेरे बच्चे, रियल इमेज किधर बन रही थी? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो वहां पे वी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? निगेटिव। ये रियल इमेज के लिए है, रियल इमेज के लिए वी कैसा हो गया बच्चे? नेगेटिव। अगर यहीं पर, अगर यहीं पर होती वर्चुअल इमेज तो वो इधर बनती ना। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हो? तो वी कैसा हो जाता बच्चे? वी कैसा हो जाता? पॉजिटिव। रियल इमेज का मतलब है पॉजिटिव, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर इमेज मिरर के सामने बन रही है, बेटा शोर आ रहा है ये, अर्ष त्यागी माइक ऑफ रखो। अगर मिरर के सामने बन रही है तो मेरे बच्चे वी कैसा लोगे आप? निगेटिव साइन के साथ। ओके, अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज कहां बनेगी बच्चे? वर्चुअल इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। तो वी कैसा होगा? वी कैसा होगा फिर? पॉजिटिव साइन के साथ। इनकी मेरे बच्चे न्यूमेरिकल करने में, इन फॉर्मुलों में इनकी वैल्यू जो रखी जाती है ना, यू वी एफ की, एफ तो समझ में आ गया, नेगेटिव कॉन्केव के लिए होगा, पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए होगा, यू हमेशा नेगेटिव होगा। वी की बात इस बात पे डिपेंड करेगी कि इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है। रियल इमेज कहाँ बनती है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज की खासियत, स्क्रीन पर नहीं ले सकते, स्क्रीन पर नहीं ले सकते। रियल इमेज की खासियत, स्क्रीन पर ले सकते हैं। क्वेश्चन भाई साहब सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन में एग्जामिनर कुछ भी दे दे, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर क्वेश्चन में कहता है कि एक ऐसी इमेज है जिसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, मिरर में बना रहे हो, तो भैया वी कैसा होगा? एक ऐसी इमेज जिसे हम स्क्रीन पर नहीं ले रहे, तो वर्चुअल इमेज, वी कैसा होगा? पॉजिटिव साइन के साथ रखा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ रहे। अगर कभी कहता है कि ऐसी इमेज है जो बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो वी कैसा होगा? मिरर के, मिरर के पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कहते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है इमेज, नेगेटिव, नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू रखी जाएगी। हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो, आपको साइन के साथ रखना है। ठीक है, बात क्लियर है बेटा सभी को? सभी को क्लियर है बेटा? चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। यस सर। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक, चलिए मुझे कुछ और बातें बतानी है, वो मैं सोचूंगा क्योंकि टाइम कम है। इस पर बेस पे न्यूमेरिकल कराएंगे, आप ट्राई करना न्यूमेरिकल का आज, मैं कल को फिर इसकी क्लास कंटिन्यू करता हूँ इसके आगे की। थोड़ा सा मुझे मैग्निफिकेशन के बारे में चीजें बतानी थी, वो बहुत लंबा हो जाती है फिर क्लास। ये क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है मेरे बच्चे? सर क्लियर है, क्लियर है। ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन बेहद इंपॉर्टेंट है। आप 12th के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लोगे, सिंगल मिरर वाले। आप 12th के बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे इतनी ही बातों से, मिरर वाले क्वेश्चन बेसिक इन्हीं बातों से, और कुछ नहीं। ठीक, तो बेटा चैट बॉक्स में आप सभी ने अपना नाम वगैरह लिख दिया होगा? यस सर। नहीं लिखा तो मेरे बच्चे लिख ले, चैट बॉक्स में नाम लिख दे। हाँ लिख दो बेटा, मैं फिर क्लास एंड करूंगा, वैसे भी 2 मिनट रह रहे हैं, 3-4 मिनट रह रहे हैं। अब मैं एक बार अटेंडेंस बोल देता हूँ। यश गुप्ता, प्रियांशु तोमर, वंश प्रताप, वैभव निमेश, हर्ष त्यागी फर्स्ट, प्रतीक शर्मा, केशव अग्रवाल, नमन भारद्वाज, कपिल सोलंकी।
पारस कंसल, रजत राज, हिमांशु तोमर, कविश कुमार, कविश कुमार कौन है भाई, लविश, अच्छा कविश, ठीक ठीक। और कौन है बेटा, हर्ष त्यागी सेकंड भी है, प्रीत त्यागी, ठीक ठीक है बेटा। किसी को कुछ पूछना है मेरे बच्चे, डाउट हो? मैं आप लोगों का बेटा एक दिन टेस्ट लूंगा, उसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? तो उसका आप लोग रिवीजन करते रहें, मैंने पूरा चैप्टर डाल रखा है सिर्फ एक मोटर को छोड़ के, मोटर की मैंने लाइव क्लास ली थी आप लोगों की, ठीक है? रिवीजन मैं चाहूंगा पहले लाइट खत्म करा के एक बार फिर से रिवीजन कराएं, इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिज्म का, जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बार बार आते हैं बोर्ड में उन तरीकों। चलो ठीक है, मैं बेटा फिर क्लास खत्म कर रहा हूँ आप लोगों की। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, किसी ने कुछ पूछा नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कॉनवेक्स लास्ट में एक्स को घुमा के देखो, पॉजिटिव, कॉनवेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, रेडियस पॉजिटिव होती है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे कॉनवेक्स लेंस हो, चाहे कॉनवेक्स मिरर, ठीक है? यस सर। चलिए तो बेटा, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जुड़े।